भाई नहीं ऐसा और जो नहीं है यार एथलीट थे जैसे कि आप थे, भाई मैं भी आउट तो कर था दिया वहां गया, पे, यानी आपको भी मैंने, बाहर हो लेकिन गया। दीपक भाई भी है वहां पे, हाँ दीपक भाई जैसे भी दीपक सर तो हैं। बहुत बड़े नाम हाँ थे। सना मकबूल का जो है वो एक खिलाड़ी है। बिग बॉस नहीं जैसे मुझे बड़े मुझे हुए मुझे हैं। लगता है, मुझे लगता है रणबीर भाई का दिमाग बहुत ज्यादा जल्दी थक जाएगा कि यहाँ पे सब लोग भूखे हैं, जब तक इनका पेट नहीं भरेगा तो ये लोगों को अपना कंटेंट कैसे देंगे, ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे कैसे जब तक एनर्जी। सफर कम नहीं था, सफर तो बहुत ज्यादा कम था मतलब चलने से पहले रुक गया मैं, और जितने भी दिन था अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि मैं वहाँ पे दीपक भाई से मिला, और दीपक भाई से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में डाउट थे अपनी हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने उनसे वो पूछा, और मेरा वो इंसान वहाँ पे बाहर निकला कि मुझे पता लगा अपने बारे में कि मैं रियल लाइफ में तो हेल्पफुल हुई मैं, लेकिन अगर कोई स्थिति में है कि मुझे उसकी हेल्प करनी पड़े, उसको वॉशरूम तक ले जाने में, उसके कपड़े चेंज करने में, उसको नहलाने में, वो चीज़ मुझे पता चली वहाँ जाके, क्योंकि इससे पहले कभी मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने किसी के लिए इतना सब कुछ किया हो, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था या मेरे ट्रेनिंग कैंप में रहता था, वहाँ पे सब मेरी हेल्प के लिए होते थे, रूटीन जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं वैसा मैं किसी के लिए नहीं था। नीरज ये जानना चाहेंगे, आप इतने प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हो एज अ बॉक्सर एथलीट, बिग बॉस में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? यू नो व्हाई? ऑलरेडी लोग जानते थे आपको। मुझे जो लोग जानते थे वो मेरे स्पोर्ट्स के लोग जानते थे, जो बॉक्सिंग को फॉलो करते हैं वो लोग जानते थे, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रहती थी या रहती है अभी भी कि जिस तरह से यूएस में लोग, यूएस के लोग बॉक्सर्स को फॉलो करते हैं, बॉक्सिंग की फाइट देखने के लिए टिकटें खरीद खरीद के बॉक्सिंग देखने जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो लोग उनकी बैकग्राउंड को जानते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हैं, और अपने यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो मैं चाहता था कि एक रियल बॉक्सर रियल लाइफ में कैसा है, वो मॉर्निंग से लेके शाम तक उसका रूटीन क्या होता है, वो लोगों के साथ उसका बिहेव क्या होता है, तो इसलिए मेरा डिसीजन था कि मैं बिग बॉस जैसे बड़े शो में जाऊँ। वेल, आपको लगता है कि आपके टुवर्ड्स बिग बॉस बायस रहे हैं? नहीं मैं ये नहीं कह सकता कि आप बाइस्ड बूझ डाले, कोई बात ही नहीं है, पर क्योंकि मैं बाहर आया, मुझे ये नहीं पता कि मैं किस कारण बाहर आया, मुझे ऐसी तो कोई बात ना तो लोगों में लगी ना ही शो के बारे में लगी। शो बहुत अच्छा था, और जो बाहर की टीम थी मुझे लगा इतनी टीम वहाँ पे काम करे, तो बाकी सब चीज़ें अच्छी थी, बट मैं बाहर क्यों आ गया ये अच्छा नहीं था। आपको लगता है कि आपकी जगह इवन शिवानी नीरज को बाहर आना चाहिए था? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं शिवानी को बाहर आना चाहिए था, मुझे ये लगता था कि मेरे से और शिवानी से पहले नॉमिनेशन काफी लोगों को और हो जाना चाहिए था, ताकि शो में और ज्यादा मजा आता, कांटे की टक्कर पे शो चलता। इवन आपका प्रोफेशनल बॉक्सिंग है लेकिन आप उधर जाके एकदम शांत नेचर था। आपका लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा बायस शायद होते, थोड़ा मतलब बोलते तो नहीं 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 वहाँ पे बिना मतलब आ बैल मुझे मार कोई भी लड़ाई नहीं करता ऐसे तो मुझे लगता, और वहाँ पे जितने भी दिन मैं रहा वहाँ पे दो तीन लड़ाई हुई, और उन दो तीन की लड़ाई में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी या उनको छुड़वाने में सही के साथ खड़े होने की, और जहाँ तक बात है लड़ाई झगड़े की तो मैं बिना मतलब किसी से कैसे झगड़ा कर सकता हूँ, और हम बॉक्सर हैं भाई, हम किसी से झगड़ा करें तो हम तो चलते फिरते वेपन है, मैं किसी को मुक्का मारूंगा तो अगला पता नहीं अगली क्या हालत होगी, लेकिन उस स्थिति में हम बहुत देर के बाद जाते हैं, वहां तक पहुंचने में हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, और ऐसी कोई स्थिति उस घर में बनी नहीं कि मुझे गुस्सा आए और मुझे चिल्लाने की जरूरत पड़े, मुझे चिल्लाने की एक दो बार जरूरत पड़ी, वो दिखाई के नहीं दिखाई गई, जब रणवीर भाई ने शिवानी को कुछ कहा था या अरमान ने जब दीपक भाई को कुछ बोला था तो तब मुझे वो जोर से चिल्लाने की भी तब मेरे पे आई वो, उसके अलावा तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि मुझे कुछ बोलना पड़े, और 2 दिन में मैं क्या ही दिखा पाऊंगा, 2 दिन में मुझे क्या ही गुस्सा आएगा, 2 दिन तो मुझे लोगों के दिल जीतने में लग गए, 2 दिन में यार मैंने 14 लोगों के दिल जीत लिए, ऐसे लोगों के जो मुझे पहले से जानते भी नहीं थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेरे बारे में सुना था और जिन्होंने सिर्फ ये सुना था कि ये सिर्फ बॉक्सिंग करता है या दूसरे देश में जाके किसी को भी ऑफलाइन लड़ाई करके आ जाता है ये, तो वो चीजें सुनी थी मेरे को, रियल में तो किसी ने मुझे देखा ही नहीं था, 2 दिन में आदमी क्या क्या करेगा। आप बिग बॉस को लेके कई सारे विवाद भी हो रहे हैं कि जैसे कि जो अरमान है, जो उनकी दो वाइफ हैं, तो उनको लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि पॉलीगेमी को बिग बॉस प्रमोट कर रहा है, नहीं, तो नहीं नहीं आप नहीं क्या नहीं कहना नहीं नहीं चाहेंगे? आप ये नहीं कह सकते कि बिग बॉस किसी चीज को प्रमोट कर रहा है,
ये बात हम नहीं कह सकते। वो अरमान की पर्सनल लाइफ है, उस लाइफ की वजह से वो बिग बॉस के अंदर आया है, लेकिन लेकिन हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वड़ा पाव गर्ल जो रास्ते में फाइट करती थी, रोड में मस्ती करती थी, मतलब जो भी ड्रामा सीन होता था उनको लेकर आया जा रहा है भाई। नहीं ऐसा नहीं है यार, जैसे कि आप थे, आप भाई मैं भी तो था वहाँ पे, लेकिन दीपक भाई भी हैं वहाँ पे, दीपक भाई जैसे भी हैं, हाँ रणवीर भाई हैं वहाँ पे। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े नाम, बड़ी 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 शख्सियत, जिन दीपक भाई को 31 साल हो गए हैं इस काम, मीडिया के काम में मुझे 19 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए, रणवीर भाई को 22 पता नहीं 24 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ा पाव वाली है या अरमान है, जो यूट्यूब वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं मेहनत की है, जब भी वो आज इसमें आए हैं। बट अगर हम, मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे जाके हमें कंपेयर करना चाहिए मेरे को किसी वड़ा पाव वाले से, या मुझे दो बीवियों वाले के साथ, मेरे तो एक भी बीवी नहीं है भाई मैं कैसे किसी को अपने साथ कंपेयर करूंगा। बट हाँ सिर्फ ये है कि समाज के लिए गलत मैसेज जाएगा अगर लोग फॉलो करें तो। हाँ मैं मेरी बात तो कंप्लीट होने दो भाई, तो समाज में कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जाएगा कि सबको दो शादी करनी चाहिए। और इसी बात को अगर लड़की सोच ले कि मेरे भी दो पति होने चाहिए, तो ये समाज क्या एक्सेप्ट करेगा? आप जितने लड़के खड़े हो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्यों हम ऐसा करें, तो क्यों हम ऐसा दिखाएं? तो भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो चल रही है, उस चीज को ना तो बिग बॉस बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कि दो दो शादी करो, दो शादी करो, दो शादी करो। मैं वहां पे गया था मेरी बॉक्सिंग को दिखाने के लिए, मैं वहां गया था मेरे डेली रूटीन को दिखाने के लिए, तो लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे को देख के लोग फिट भी रह सकते हैं। दीपक भाई को देख के जिन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू ले लिए जो कभी ले नहीं सकते थे, उनसे भी लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। रणवीर भाई एक्टिंग में इतने अच्छे हैं, उनसे भी लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सीखने वाले वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अगर बात करें वड़े पाव गर्ल की, तो उससे भी लोग सीख सकते हैं कि मेहनत करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ वो फाइट करके वहां तक पहुंचे, लड़ाई तो सड़क पे कोई भी कर रहा होगा आज के टाइम पे। तो हमें किसी आदमी के स्ट्रगल को, किसी की मेहनत को ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए कि वो ऐसे ही पहुंच गया भाई। मैं ऐसा ही हूँ और शायद इसीलिए बाहर बैठा हूँ। अपने बड़े भाई दीपक भाई, उनसे बड़ा लंबी रेस का घोड़ा कोई भी नहीं है, बट बशर्ते वो व्हील चेयर से उठ जाए और उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाए। बट कहीं ना कहीं ऑडियंस सना मकबूल को टॉप 3 में देख रही है। सना मकबूल का जो है वो एक खिलाड़ी है, एक एक्ट्रेस है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन चाह पाएगी, बट मुझे लगता है टॉप 5 तक तो आ सकती है। ऑल्सो रणवीर को यू नो बिग बॉस कहा जा रहा है कि वो घर के अंदर यू नो एक बिग बॉस। नहीं मुझे 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 लगता है, मुझे लगता है रणवीर भाई का दिमाग बहुत ज्यादा जल्दी थक जाएगा। वो थक जाएंगे जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे हैं, कई बार ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका दिमाग थक जाएगा और वो ज़्यादा देर खेल नहीं पाएंगे। उस खेल को खेलने के लिए थोड़ा चिल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि एक महीना बहुत कम दिन नहीं होते। हम तो यहाँ पे इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पे तो वही 5-10 लोग हैं। अरमान की और मैं शिवानी की बात करूं, अरमान और शिवानी का एक ब्लॉग भी आउट हुआ है जहां पर ये दोनों पहले मिल चुके हैं 2 साल। हाँ बहुत सारे लोग मुझे लगा कि वहां से वहां पे ऐसे हैं जो एक दूसरे को पहले से जानते थे, पर वो जो लोग आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे उनका नुकसान मुझे कहीं नहीं हुआ। नहीं बट वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे कि जैसे वो जानते ही नहीं है। नहीं वहां पे माहौल ऐसा बन गया, वहां पे सब एक दूसरे के साथ ही खेल रहे हैं। पर अगर मैं वहां पे मेरी बात करूं तो मैं भी उनके साथ खेल ही रहा था, लेकिन मेरा वहां पे प्यार बन गया। और शिवानी की बात करें तो शिवानी अगर उनको पहले से जानती थी तो उन दोनों की आपस में ऐसी लड़ाई होगी जिसके बाद बावजूद ने दीपक भाई की और अरमान की लड़ाई हो रही थी, बीच में शिवानी कूद गई तो शायद उसको वो बात बुरी लग रही थी। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मैं समझने का तो टाइम तो नहीं दिया, समझने का टाइम नहीं मिला मुझे। मैं इस बारे में मतलब कुछ नहीं कह सकता कि अगर पहले की दोस्त थी और वो बाद में उन लोगों की खराब हो रही है, इसके बारे में जजमेंट का मुझे समय नहीं मिला। जिस तरह शिवानी को लेकर कहा जा रहा है कि उसका भाषा ठीक नहीं है, घर में ऐसा लग रहा है कि लोग इरिटेट हो रहे हैं। नहीं वो लोग जिस तरह से लेंगे
उस तरह से इरिटेट होंगे। मुझे बिहार की भाषा बहुत ज़्यादा पसंद है, या कानपुर साइड की, बनारस साइड की, जिस तरह से लोग बात करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब कई लोगों को वो अच्छी नहीं लग रही। मैं शिवानी के साथ बहुत ज़्यादा फन करता था, बहुत ज़्यादा। वो पता नहीं स्क्रीन पे कितना दिखाया गया कितना नहीं दिखाया गया, बट मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा फन करता था। मुझे पसंद था वो इंडिविजुअल लोगों की अलग अलग सोच है, जिसको नहीं पसंद वो बोल रहे हैं वो अच्छी नहीं है, जिसको पसंद वो बोल रहे हैं वो अच्छी है। बट कहीं ना कहीं है ना, पलोमी, अगर मैं पलोमी की बात करूं तो वो अपने एटीट्यूड से शिवानी को डाउनग्रेड करना डाउनग्रेड कर रही है, और यू नो उसकी बात नहीं समझना चाहती है, या वो शिवानी को समझना ही नहीं चाहती है। क्या कहना है आपको इस बात पर? वहां पे ना लोगों ने एक दो दिन में सबको जज कर लिया है, वो उनको ढूंढ ही नहीं पाए कौन सही है कौन गलत है। तो मतलब वो थोड़ी थोड़ी सी जजमेंट पे वो लोग इतना रिएक्ट कर रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है। लोगों को समझने में टाइम लगता है, आप एक दिन में किसी को नहीं समझ पाओगे या कुछ चंद घंटों में नहीं समझ पाओगे। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे लोग समझ पाए और मेरे साथ अपने इमोशन जोड़ पाए, घर के अंदर वाले भी और घर के बाहर वाले भी। खाने को लेकर जिस तरह आप आवाज करते थे, तो क्या लगता था खाना कम मिलता था क्या? नहीं नहीं ऑल्सो यू नो इसी का कंटिन्यूएशन है, सना मकबूल ने कहा था कि खाना नहीं मिल रहा है फूड्स के ऊपर है। मैं वही बात कहता हूँ, जो खाने की बात शुरू हुई थी ये इन लोगों की मिसमैनेजमेंट थी। मेरे को खाने की, मैं कोई बहुत बड़ा 150 किलो का आदमी नहीं हूँ, मेरे को वही दो रोटी ही चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, जिस दिन पहले दिन गए जो बाहर से खाना आया था जो खाना चाहिए था, इन लोगों ने वो देखा ही नहीं, ना ही इन्होंने किसी से पूछा कि खाना कहाँ पे होगा। इन्होंने धड़ाधड़ रोटी बेल दी, जो दो खानी चाहिए थी पाँच पाँच दस दस खाई, तीन तीन सब्जियाँ मर रही हैं, दो दो सब्जियाँ मर रही हैं। तो वो जो राशन था वो खत्म हो गया, जो 5 दिन का था वो 2.5 दिन में खत्म हो गया। बिग बॉस की बात भी ठीक थी, लेकिन जब वो खत्म हो गया तो उस टाइम तक इनको किसी को पता ही नहीं था कि ये स्थिति भी आ जाएगी। तो वहां पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा कम खाना खाया होगा तो वो मैं था, क्योंकि मैं मिर्च मसाले खाता नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैंने और कम खाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चटपटा स्वादिष्ट चीजें बनाते थे, मैंने और कम खाया। तो इसकी वजह से वो मिसमैनेजमेंट होने की वजह से आवाज उठी, और जब आवाज उठी तो सना मकबूल इंडिविजुअल थी, वो खेलने आई थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि कहीं पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है हमें खाना, क्योंकि भूखे थे, सबको भूख लगी हुई थी। उसने सिर्फ अपनी अकेली के लिए आवाज उठाई और मैंने सबके लिए आवाज उठाई थी कि यहाँ पे सब लोग भूखे हैं, जब तक इनका पेट नहीं भरेगा तो ये लोगों को अपना कंटेंट कैसे देंगे, ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे कैसे जब तक एनर्जी नहीं होगी। तो जो मेरी आवाज थी वो सबके लिए थी, और उसी आवाज में कहीं ना कहीं ये बात थी कि जब लोगों के लिए धूम्रपान की चीजें आ सकती हैं तो क्या जो खाना कम पड़ रहा है उसकी जगह ब्रेड ही भेज दो, पीनट बटर ही भेज दो। और वो सिर्फ मेरी अकेले की नहीं थी, वो बात बहुत सारे लोगों ने बात मुझे भेजी थी, और फिर उन सब की बात मैंने रखी थी कि ये बात है कहीं ना कहीं पीनट बटर वाली, और फिर मुझे पीनट बटर की ऐड भी नहीं मिली अब तक। आपके काम को ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है, क्या कहना चाहिए, कुछ होना चाहिए जिससे आपके फील्ड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग रिकॉग्नाइज करें? नहीं नहीं मैं बताऊं, नहीं अमेरिका के बारे में मैंने इसीलिए बताया कि वहां पे बॉक्सिंग एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी हुई है। तो जब इंडिया की बॉक्सिंग भी एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ जाएगी, जैसे मैं मेरी कोशिश चली रही है एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ेगी, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेंगे। अब आप सब लोगों को मेरे बारे में शायद पहले नहीं पता होगा, अब पता चला है क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट में आया हूँ। तो यही बात है सेम। थैंक यू जी, धन्यवाद।